नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस और ये पेज नंबर हुआ 96 और हम ऊपर के पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले जो है ये जो ऊपर है ये इसे इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है 6CO2, ठीक है। वो ओ देख रहे हैं और नंबर टू देख रहे हैं, उसे O2 बोलते हैं। हाँ, उसका मतलब है ये जो CO2 ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस है, ओके। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स या अणु बन, प्लस 12 H2O, तो ऐसे बोलते हैं H2O। H2O है जो पानी होता है, उसका इक्वेशन पानी का इक्वेशन है H2O, तो 12 पानी। हाँ, और फिर क्लोरोफिल उसमें 7 डालो और सनलाइट सूरज की सूरज का प्रकाश 7 डालो तो मिलता है C6H12O6, वो होता है ग्लूकोज। अच्छा, चीनी जो होती है ना वो ग्लूकोज होती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को साथ करो और उसमें क्लोरोफिल और सनलाइट भी साथ करो तो फिर ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस 6O2। O2 होता है ऑक्सीजन, जो हम अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो 6O2 ऑक्सीजन प्लस 6H2O प्लस 6 पानी H2O। लेट अस नाउ सी, अब हम देखते हैं व्हाट एक्चुअली हैपेंस, जो होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस माने प्रक्रम, फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस द्वारा प्लांट्स जो हैं, पौधे, वो खाना बनाते हैं। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, ठीक है। नंबर पहला, अब्सॉर्प्शन, अंदर लेना ऑफ लाइट एनर्जी, अंदर लेना प्रकाश की ऊर्जा को बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश की ऊर्जा को अंदर लेता है और क्लोरोफिल जो है पौधे के अंदर होता है। नंबर टू, कन्वर्जन माने चेंज करना ऑफ लाइट एनर्जी, प्रकाश की ऊर्जा लाइट एनर्जी, टू केमिकल एनर्जी माने ऊर्जा, रसायनिक ऊर्जा जो केमिकल में होती है। जैसे आप देखोगे बैटरी होती है ना, बैटरी में रसायनिक ऊर्जा होती है, उसमें केमिकल होते हैं अंदर, और जब आप बैटरी को अंदर डालते हो और कनेक्ट करते हो, प्लस और माइनस जो होता है वो केमिकल एनर्जी बाहर आता है और जो भी चीज़ है जिसमें आपने बैटरी डाली है वो चलाता है, ठीक है। तो इसमें प्लांट में कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी जो ऊर्जा प्रकाश से आती है, टू केमिकल एनर्जी रसायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होती है उसमें, एंड स्प्लिटिंग और काटना ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O मैंने बताया अभी, वो स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वो जो है H2 होता है, H2O वाटर होता है, तो वो स्प्लिट हो जाता है या कटता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, HNO, ठीक है। नंबर थ्री, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन इज उपसरण या कम करना, रिडक्शन होता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, सो कटना, बेसिकली कटना या कम होना या कुछ भी चीज कम हो जाना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जब हम बाहर सांस लेते हैं, जब अंदर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फिर निकालते हैं अपनी बॉडी से, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है कन्वर्जन या रिडक्शन उसका कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और चीजों के साथ और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। These steps need not take place one after the other immediately. ये जो steps हैं ये एक के बाद एक तुरंत immediately शायद नहीं होते हैं। For example, desert plants जो रेगिस्तान में होते हैं, राजस्थान जैसे बहुत धूल वो sand है वहाँ रेगिस्तान में, desert plants ऐसे जो plants होते हैं वहाँ, they take up carbon dioxide at night, वो carbon dioxide अंदर लेते हैं रात में, and prepare an intermediate और वो एक बनाते हैं मध्यस्थ उत्पाद, intermediate, ठीक है, which is acted upon by the energy जिस पे
ऊर्जा पड़ती है अब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे. तो क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश की ऊर्जा लेता है अंदर और वो अपना स्टोर करता है. तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रात में प्लांट लेता है तो ये जो ऊर्जा क्लोरोफिल के अंदर है वो उस पे दबाव डालती है और फिर इंटरमीडिएट बनता है कुछ मध्य स्थिति का और वो प्लांट में ही रहता है. Let us see how each of the components above the above reaction, जो अभी reaction बताया मैंने carbon dioxide और पानी का, तो देखते हैं कि हर एक जो हिस्सा है उसका carbon dioxide, water वगैरह are necessary for photosynthesis. आवश्यकता है उनकी प्रकाश संश्लेषण में, photosynthesis. If you carefully observe a cross section, अगर आप ध्यान से carefully देखोगे cross section, अनुप्रस्थ काट. देखो अगर कोई चीज है और आपको समझो कोई जैसे आप समझ लो कि एक बुक है, ठीक है, बुक को आप ऐसे काट देते हो और दो हिस्से देखते हो अंदर, तो पेजेस देखेंगे ना दोनों हिस्से में, वो होता है क्रॉस सेक्शन, ठीक है. तो अगर ये एक आप लीफ लोगे, एक पत्ता, ठीक है, और उसको काटोगे क्रॉस सेक्शन में और दो देखोगे माइक्रोस्कोप के नीचे. माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज होती है जो आँखों से जो दिखता नहीं है वो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखता है, ठीक है. तो उसमें लेंस होते हैं जैसे कैमरा में लेंस होते हैं जो बहुत गहरा जा सकते हैं और अंदर देख सकते हैं. अगली बार मैं आपको माइक्रोस्कोप का जरा पिक्चर दिखाऊंगी, ठीक है. तो एक मिनट में लिख लूँ कि माइक्रोस्कोप का पिक्चर दिखाना है, ठीक है. हम तो माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप देखोगे उसको काट के, यू विल नोटिस दैट सम सेल्स, कुछ जो अणुवन हैं, कंटेन ग्रीन डॉट्स, उसमें हरे जो है बिंदु हैं. दीज ग्रीन डॉट्स, ये जो हरे बिंदु हैं आर सेल ऑर्गेनल्स, वो अणुवन के अंदर जो हैं, दे आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. ये जो हरे बिंदु हैं उसके अंदर अणुवन हैं, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट हैं विच कंटेन क्लोरोफिल, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है. लेट अस डू एन एक्टिविटी, अब हम ये एक काम करते हैं, एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट, जो दिखाता है दैट क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल की ज़रूरत है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए. अब हम यहीं बंद करते हैं, अगली बार करेंगे एक्टिविटी 6.1 और वो माइक्रोस्कोप का भी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी.